नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो बहुत खुशी की बात है, और अगर हाल ही में आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है और आपको इस बात की दुख हो रहा है कि यार मेरे मोनेटाइजेशन तो इनेबल हो गया है पर एडसेंस में मेरा पैसा जो है वो नहीं शो हो रहा है, यानी एडसेंस में पैसा जो आपके डॉलर में कमाई हो रही है वो आपका जो है अपडेट नहीं हो रहा है, तो इससे आप काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों, इससे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो एडसेंस में बैलेंस जो आएगा मोनेटाइजेशन के बाद, तो आपका जो अमाउंट है वो शो इसलिए नहीं हो रहा है। मैं उसका पूरा रीजन और पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किया तो आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ, YT स्टूडियो में जब भी आप देखते हैं तो रिवेन्यू में आपका डॉलर जो है $1, $2, $3, $4, $5, जितना भी आपने रिवेन्यू कमाया है हाल ही में वो सब शो हो रहा है। पर दोस्तों, आप जब एडसेंस में जाते हैं अपने अकाउंट में तो वहाँ पे बैलेंस शो नहीं हो रहा है। तो वो शो क्यों नहीं हो रहा है, इसका पूरा प्रोसेस सीखने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका यूट्यूब की जो अर्निंग है वो अगर आपके YT स्टूडियो यानी यूट्यूब स्टूडियो पे शो हो रही है और आपके एडसेंस पे नहीं सो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, वो पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं और कैसे ये सॉल्व होगी ये भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले YT स्टूडियो अपना ओपन करके दिखा देता हूँ। YT स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग जो मेरी दिखाई दे रही है $4 के आसपास दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे एनालिसिस में, एनालिसिस में जाके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एनालिसिस में भी आपकी अर्निंग जो है वो शो हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिसिस में आपकी दिखा रही है $4 के आसपास। अब दोस्तों, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे $4 कितने दिन की दिखा रही है, इसमें 28 दिन का दिखा रहा है, लेकिन ये करीब मेरी 7 डेज की ही आसपास की है वो जो $4 के आसपास है। तो यहाँ 7 डेज में आप देख सकते हैं $3.87। तो अब यहाँ पे ये शो हो रही है। अब यहाँ पे इजीली मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैं अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट अपना ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। अब डेस्कटॉप साइट पे जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपकी यहाँ पे आज की अर्निंग 0 दिखा रही है, कल की भी 0, शेष 7 दिनों की भी 0 और इस महीने की भी 0 और शेष की भी 0। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये उसी यूट्यूब चैनल का जो एडसेंस अकाउंट है वही एडसेंस अकाउंट है जो मैंने उस यूट्यूब चैनल पे लिंक कर रखा है। तो अब दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये दिक्कत क्यों आ रही, तो मैं आपको फुल डिटेल्स में बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे यहाँ पे दाएं तरफ देखेंगे तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जाएंगे बाएं तरफ, ये आपको दिखाई होगा 3 डॉट, इस बाएं 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है भुगतान का। तो यहाँ पे भुगतान पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन एक निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, भुगतान इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैंने बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया होगा, इसलिए आपको बैलेंस नहीं दिखाया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बैलेंस मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा तो वो कैसे आएगा और कितने अमाउंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे $100 से ज़्यादा जब आपके हो जाएंगे तभी यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो बैंक के बैलेंस में जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं कि यहां पे एडसेंस पे आपका जो अमाउंट है वो डॉलर में शो क्यों नहीं हो रहा है। तो यहां पे मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपको 3 डॉट पे फिर से जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको एक ये रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहां पे ये देखिए रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट का जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपको रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहां पे आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहां पे मैं पूरी डिटेल्स में आपको बता देता हूं। तो यहां पे लोडिंग लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका जो रिवेन्यू है वो आपको लगभग कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं इंप्रेशन, पेज व्यू, क्लिक,
CPM, RPM, ये सब RPM पेज का, इम्प्रेशन का, ये सब आप देख सकते हैं। अनुमानित आय वगैरह यहाँ पे दिखाई देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं सो रहा है, कुछ भी नहीं सो रहा है। अनुमानित आय में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जीरो हो रहा है और शो कुछ भी नहीं दिखा रहा है आय में भी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये शो क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको ये हिंदी में मैंने इसीलिए कर रखा है कि जिसमें आपको भी समझ में आ जाए और मैं आपको इजीली बता सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम मैंने कर दिया। लिखा हुआ है महीने की 15 तारीख से पहले यूट्यूब से होने वाली आय को आपके एडसेंस भुगतान पेज पे जोड़ दिया जाएगा, और अगर आपकी कुल आय भुगतान सीमा से ज़्यादा है तो आपकी आय को भुगतान के में शामिल कर लिया जाएगा। आपकी अनुमति आय देखने के लिए YouTube एनालिसिस रिवेन्यू रिपोर्ट लर्न मोर का इस्तेमाल करें। इसका मतलब शुद्ध हिंदी में मैं बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी रिवेन्यू होगी वो हर महीने की 15 तारीख के पहले की, यानी पिछले महीने की जो भी होगी, पिछले महीने से लेकर 15 तारीख, यानी 15 तारीख से 15 तारीख तक की जितनी भी रिवेन्यू होगी वो 15 तारीख के बाद आपके एडसेंस अकाउंट में शो होगी। ये फर्स्ट टाइम होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ लागू हो जाती है, तो आपका कुछ ना कुछ अमाउंट एडसेंस अकाउंट में दिखाता रहता है। पर दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एडसेंस अकाउंट में 15 तारीख के बाद रिवेन्यू जो है ये आपके अकाउंट में आ जाएगी। दोस्तों बहुत ही कम समय बचा, 8-10 दिन बाद आपकी रिवेन्यू मेरे अकाउंट में शो होने लगी। इसी तरीके का अगर आपके अकाउंट में भी दिक्कत है तो आप यहां से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में ये नहीं ऑप्शन आ रहा है और आपके अकाउंट में कुछ और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं इसके लिए और कोई सॉल्यूशन बताऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।